देखो ये पश्चिम के प्लव के पश्चिम के स्पंदनों का सूत्र इस प्रकार है। पश्चिम प्लव का भूमिर धन धान्य विनाशिनी शोकदायहम कुलम तत्र यत्र भूहु पश्चिम प्लवाहा। तो जिस भवन में पश्चिम के स्पंदन, पश्चिम में टेरेस, पश्चिम में बड़ा प्रांगण, पश्चिम में कूप या बोरवेल, पश्चिम में रूफ के स्लोप्स, इस प्रकार की स्थिति है, वहाँ पर धन धान्य दोनों की कमी रहेगी, शोक तथा दाह और कुल में भेद, इस प्रकार से अनुभव आने की संभावना है। उसी का एक सूत्र जो है वो पश्चिमे कलहम कुर्यात, ये छोटे सूत्र में सब आ जाता है कि जीवन में कलह का अनुभव आ जाएगा और ये जो कलह जो रहेगा वो शारीरिक दैहिक रहेगा, मानसिक रहेगा, आध्यात्मिक रहेगा। मतलब ऐसे भवन में जो भी आप धार्मिक कार्य करोगे, जप जाप करोगे, क्रिया करोगे, अनुष्ठान करोगे, तो वो पूरा अनुष्ठान का स्पंदन जो शुभ स्पंदन है वो समझो एक तरीके से असुर है, जम्बूक हैं, जो पश्चिम से जुड़ी हुई विक्षेप देवताएं हैं, उनमें वो समाविष्ट हो जाएगा और व्यक्ति को उस अनुष्ठान से प्राप्त होने वाला शुभ फल कोई चोर एक तरीके से चुरा के लेके जाएगा। इस प्रकार से वास्तु के सूत्र जो हैं वो तीन प्रकार से लागू होते हैं, क्योंकि शास्त्र की जो व्याख्या है वो शासनात्रायते इति शास्त्रा, मतलब शास्त्र एक विशिष्ट जीवन पद्धति का अवलंबन करके खुद का संरक्षण करना, इसका मतलब शास्त्र है। और जीवन पद्धति से शास्त्र जब जुड़ा हुआ है ऐसा हम कहते हैं, इसका अर्थ है जीवन पद्धति व्यक्ति से जुड़ी हुई है और व्यक्ति तीन स्तरों पर रहता है। ये तीन स्तर जो है वो अधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक, मतलब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तीनों स्तरों पर एक प्रकार से परिणामदायी हो जाएंगे। तो अभी इस भवन में रेमेडीज क्या कर सकते हैं? तो एक तो सिंपल है, उत्तर दिशा में दूसरी बाजू को कोई भवन नहीं है, ओपन ग्राउंड है, मतलब उत्तर दिशा हम खोल सकते हैं, उत्तर दिशा में बड़ी बड़ी खिड़कियां निर्माण कर सकते हैं। जब भी उत्तर प्रवाहित हो जाएगी तो ऐसे भवन में ऑटोमेटिकली सहज तरीके से घट की स्थिति सुधर जाएगी, घटाकाश का स्पंदन सुधर जाएगा। समझो किसी भवन में इस प्रकार से उत्तर हम खोल नहीं सकते, तो उत्तर प्रभाग जल तत्व से जुड़ा हुआ है और जल तत्व की व्याख्या योग शास्त्र में आपश्वेता क्षितिः पीताः इस प्रकार से की गई है कि जल तत्व का गुण वर्णन जो है वो श्वेत स्पंदनों से जुड़ा हुआ है, श्वेत वर्ण से जुड़ा हुआ है। इसीलिए उत्तर प्रभाग में अगर आप व्हाइट मार्बल डालते हैं तो ऑटोमेटिकली इस व्हाइट मार्बल पर जो भी प्रकाश के किरणों की आवृत्ति होगी वो प्रकाश के किरणों का ध्रुवीकरण हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, और पोलराइज्ड एनर्जी हैज़ प्रोफाउंड इफेक्टिविटी इन चेंजिंग ऑल कैरेक्टर्स रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स। इसीलिए उत्तर दिशा में श्वेत मार्बल, व्हाइट मार्बल डाल दो और वो मार्बल एक्टिवेट करने के लिए उत्तर दिशा से जुड़ा हुआ देवता वृंद, उसमें जो सोम देवता है, उस सोम देवता में एक मुट्ठी समझो कल्चर्ड पर्ल्स और
15-20 ग्राम चांदी माने सिल्वर गाड़ दो। जब गाड़ते हो तब देखो कि सोमवार हो, चंद्रमा का शुभ शुभ सुबह का प्रहर हो, उसी के साथ सैंडलवुड पाउडर और थोड़े चावल, थोड़ा कपूर, एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी, इस प्रकार से गाड़ दो और शुभ मुहूर्त पर गाड़ दो और ऊपर व्हाइट मार्बल डाल दो, तो ऑटोमेटिकली पूर्व दिशा से आपको स्पंदनों की प्राप्ति होगी। समझो कोई बंगलो है, ग्राउंड फ्लोर ही है समझो, तो उत्तर दिशा में सेंटर ऑफ द नॉर्थ में अगर आप कोर कट होल करते हो स्लैब को, तो उत्तर दिशा से ऑटोमेटिकली आकाश तत्व के स्पंदनों की प्राप्ति होगी और आकाश तत्व सर्वथैव बलवान है। तो जब ऐसा बलवान स्पंदन भवन में सूक्ष्माति सूक्ष्म स्पंदन जब उत्तर दिशा से प्राप्त होंगे तो उस भवन की स्थिति ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। वहाँ से 180 डिग्री पर जहाँ पर दक्षिण दिशा है, जहाँ पर बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, तो ऐसे खिड़की की जो ग्लास हैं उसको येलो फिल्म लगा दो, पीत वर्ण की फिल्म लगा दो। योग सूत्र के अनुसार सूक्ष्म पृथ्वी तत्व के स्पंदनों की प्राप्ति पीत वर्ण से होती है, इसलिए सूत्र आपश्वेता क्षितिक पीता पृथ्वी तत्व पीत वर्ण का माना गया है। मतलब सूक्ष्म पृथ्वी तत्व की प्राप्ति करने के लिए भवन में आने वाला रोशनी का प्रभाव अगर आप पीत वर्ण में रूपांतरित करते हो तो ऑटोमेटिकली पृथ्वी तत्व के सूक्ष्म स्पंदन पाए जाएंगे और जहाँ पृथ्वी तत्व हैं वहाँ ऊर्जा के स्पंदन विसर्जित हो जाते हैं, वहीं दक्षिण के स्पंदनों के लिए एकमात्र उपाय है।